फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। आज हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेट सपोज ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देयरफॉर द इनवर्स ऑफ ए, inverse of A is denoted by A inverse. A के ऊपर minus one power लगा देंगे तो हमारा ये A का inverse हो जाएगा। तो A inverse हमें find करना है। Suppose A inverse is equal to B one one, B one two, B two one, B two two. अच्छा, inverse find करने के लिए एक condition सबसे ज्यादा important है कि वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2x2, 3x2 या 3x3, 4x4, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास A को और स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जब तक हमारे पास A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अब इस इनवर्स को फाइंड करने के लिए आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम इसके यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ट्रांसफर करके यानी कि इनको चेंज करते हुए इनवर्स को फाइंड करें। एलिमेंट्स को चेंज करते हुए हम इनवर्स फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी कैन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तब हमारा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को इस मेथड से इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कौन सा? एक तो है ई यानी कि रो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो, रो ट्रांसफॉर्मेशन ई की। और दूसरा हमारा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि या तो रो ट्रांसफॉर्म करें या हम कॉलम ट्रांसफॉर्म करें। तो दोनों की हेल्प से हम एक इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब रो ट्रांसफॉर्म में क्या करना पड़ेगा? बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन रो में हमें करना है यानी कि इसमें हम जो भी ऑपरेशन यूज करेंगे वो रो ऑपरेशन यूज करना है। ओनली वी यूज रो ऑपरेशन और इसमें हम केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन यूज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है या ये कहिए कि इसका एक मेथड टेक्निक है, ए इज इक्वल टू आई ए। इस फॉर्म को हम लेकर के चलेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, और कॉलम में हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई। दोनों में ये डिफरेंस है कि जब हम कॉलम ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें ए इज इक्वल टू ए आई यूज करना पड़ेगा, और जब रो ऑपरेशन के थ्रू हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी। अब आई क्या है? वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स भी कैसी होती है ये आप लोग जानते ही हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी हेल्प से अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर इनवर्स हमें फाइंड करना है। इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि जब हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो अब हम यहाँ रिलेशन लेकर के चलेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, इस रिलेशन को यूज करेंगे। और जब कॉलम ट्रांसफॉर्म यानी कि कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए ये भी रो ट्रांसफॉर्म, देखिए ये भी हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म कहलाता है, ये भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, लेकिन यहाँ रो ऑपरेशन को यूज किया गया है और यहाँ कॉलम ऑपरेशन को यूज किया गया है। दोनों में हम किसी भी मेथड का यूज करते हुए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब
जैसे कि अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हियर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन क्वेश्चन 1 to 17। इसमें क्लियर ये दिया हुआ है कि अगर वो एग्जिस्ट है तो सबसे पहला तो हमारे पास ये होना चाहिए कि ये क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है 2/2। इसका मतलब क्या है, हमें ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ दूसरा किसकी जरूरत होगी, आई की जरूरत होगी। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या रहेगी 2/2 की 1 0 0 1। आई भी आ गया हमारे पास, ए भी आ गया, इसको हम आई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 को आई टू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए मैं यहां रो ऑपरेशन का यूज कर रहा हूं। रो ऑपरेशन इसका यूज करते हुए अब हम इसको इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो रो ऑपरेशन में क्या था, मैंने लिखा था यहां ए इज इक्वल टू आई ए, तो इस रिलेशन को लेकर के चलेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। यहां क्या करना है, ए की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए 1 2 -1 3। आई की वैल्यू हमें मालूम ही है 1 0 0 1। ये एक एज इट इज रखिएगा, ऑपरेशन में ए को ऐसे ही रखना है। मेथड यही है हमारा कि इसमें जब रो ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाएगा, रो ऑपरेशन का यूज किया जाएगा, तब हम यहाँ ए इज इक्वल टू आई ए लेकर के चलेंगे। एक ए की वैल्यू रखेंगे, दूसरे को एज इट इज रखिएगा। अब इसमें हमें रो ऑपरेशन का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में चेंज कर देना है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि ये वाली साइड हमारी 1 0 0 1 बन जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन का यूज करना है तो देखिए यहाँ 1 और ऑलरेडी हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स में, 1 यहाँ चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए, लेकिन ये 2 मेरे को नहीं चाहिए, इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए अब हम R2 के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, जिसके लिए ऑपरेशन को यूज किया जाता है, जिसके लिए उसको अप्लाई करना है, उसको पहले लिखते हैं। R2 टेंस टू क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 में से माइनस डबल ऑफ R1, R2 में से 2R1 को माइनस कर दीजिए। और मेनली इसमें एक पॉइंट को आप लोगों को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज करेंगे ऑटोमेटिकली वो राइट हैंड साइड के लिए भी यूज हो जाएगा। तो देखिए कैसे 1 -1 R1 तो एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन हमें किसमें लगाना है, R2 के लिए लगाना है। तो R1 को हम सेम रखेंगे, R2 में अब इसका डबल करके इसमें माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा 0। यहां भी डबल करके माइनस करेंगे, भाई पहले इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -2। अब इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 3, में से इसको माइनस करेंगे तो 3 -2 यानी कि हो जाएगा 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 3 में से -2 को माइनस किया 5। सेम यहां भी वही करना है हमें, R1 के लिए तो चेंज ही नहीं होगा, इसमें चेंज करना है। 0 में से इसका डबल करके माइनस किया -2, यहां भी 0 के साथ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये तो 0 है, इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए को एज इट इज ऐसे रखते जाइएगा, ए को यहां ऐसे ही रखना है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। तो अब हमें 1 0 यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 यहां बन गया, लेकिन अब यहां भी 0 चाहिए हमें। तो यहां 0 बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ 0 बनाने के लिए एक काम किया जा सकता है, R1 के लिए ऑपरेशन यूज करें, R1 के लिए R1 + 5R2। अगर हम इसमें 5R1 लीजिए, 5R1 5R2
फाइव आर वन में आर टू को प्लस कर दें, यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई करें और यहाँ प्लस करें। इससे भी इजी एक और मेथड रहेगा कि पहले हम क्या करें इसका वन बना देंगे। तो चलिए आर टू के लिए ऑपरेशन लगाएंगे वन बाय फाइव आर टू, आर टू के लिए ऑपरेशन यूज किया वन बाय फाइव आर टू। तो देखिए क्या आता है, आर वन का एजिटिस रहेगा माइनस वन जीरो वन, अब यहाँ वन बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ भी वही वन जीरो। अब इसको किससे डिवाइड करना है, फाइव से, तो फाइव से डिवाइड कीजिएगा माइनस टू बाई फाइव, यहाँ भी हो जाएगा वन बाई फाइव इंटू ए। अब देखिए वन जीरो वन जीरो, सिर्फ ये भी बना गया हमारा। अब कहाँ चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसकी जगह क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो आर वन के लिए ऑपरेशन लगाएंगे आर वन प्लस आर टू। अगर हम इस ऑपरेशन को यूज करते हैं तो हमें वैल्यूज देखिए क्या मिलती है, यहां हो जाएगा वन, ये जीरो हो गया जीरो वन, यहां भी वही ऑपरेशन यूज करना है आर वन में आर टू को, इसको इसके साथ प्लस करना है। तो जब इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, यहाँ तो चेंज ही नहीं है, और इसको जब इसके साथ प्लस करेंगे तो वन बाई फाइव और यहाँ भी वन बाई फाइव इंटू ए। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली यूनिट मैट्रिक्स बन गई है। जब ये यूनिट मैट्रिक्स हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रिसीव हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एज ए यूनिट मैट्रिक्स, देयरफॉर द ए इनवर्स इज गिवन बाय, ये जो वैल्यू हमारी इसके साथ में है ये क्या कहलाएगा, इसका इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स हमें मिल जाएगा थ्री बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव और इधर वन बाई फाइव, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। यहां से हम ए का इनवर्स प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हम रो ऑपरेशन का यूज करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इसमें इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग कोई भी ऑपरेशन का यूज करेंगे, चाहे हम रो ऑपरेशन यूज करें चाहे हम कॉलम ऑपरेशन यूज करें, इसमें रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों से ही हमारा इनवर्स मिल जाएगा। वैसे मैं तो इसमें मोस्टली रो ऑपरेशन ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि रो ऑपरेशन थोड़ा इजी लगता है और सिस्टमेटिकली इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। तो आप लोग भी रो ऑपरेशन का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है, कोई सा भी ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री है, वन से लेकर के 14 तक क्वेश्चन सेम है, 15, 16 और 17। यहाँ 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है, एक क्वेश्चन इसका भी हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मैट्रिक्स गिवन बाय 2 2 2 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2, हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए देखिए, अभी वही हम कर रहे थे, यहां भी हम क्या करेंगे, ईटी यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो यहां हम वही रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, वी अप्लाई रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन का यूज करते हुए हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो रो ऑपरेशन में क्या कंडीशन थी, एक हमें यूनिट मैट्रिक्स की जरूरत है,
यहाँ देखिए 3x3 ऑर्डर है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें आई भी क्या चाहिए, 3x3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम i3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो ऑपरेशन यूज करने के लिए कंडीशन क्या थी हमारी, a इज इक्वल टू आई ए, इसको हम लेकर के चलेंगे, a की वैल्यू याद रखिए 2 2 2 -3 2 -2 3 3 2, ये a की वैल्यू हमने पुट कर दी, i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a। अब इस a को तो हमें एज इट इज रखना है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल लेंथ टच करना है, इसको ऐसे ही रखिएगा। सिर्फ क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ये मैट्रिक्स हमारी इसमें कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ये हमारी i की फॉर्म में यानी कि i3 में कन्वर्ट हो जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। तो अब देखिए यहाँ पहले मुझे 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ तो 1 है नहीं, बल्कि इसकी हेल्प से पहले इनको 0 कर लें, अगर इनको 0 में कन्वर्ट कर लें तो हमें इजी हो जाएगा। तो पहले यही करते हैं, अब हम r2 के लिए ऑपरेशन यूज करते हैं, r2 = r2 - r1, एक ऑपरेशन तो हमने ये यूज कर लिया। दूसरा हम r3 के लिए ऑपरेशन यूज करते हैं, r3 - r1। अच्छा देखिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम 2 रो को लेकर के चल सकते हैं, मैक्सिमम 2 रो ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, 1 या 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अगर 4x4 मैट्रिक्स है तो वहां 3 ऑपरेशन को एक साथ यूज किया जा सकता है। तो अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, r1 तो सेम रहेगा, r1 as it is, r2 को चेंज किया है, r2 में से r1 को माइनस किया है, तो यहां से जब इसे माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां देखिए ये भी 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1 बचेगा, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड यहां भी ऑपरेशन को यूज करना है, तो पहले वाले में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, हाँ दूसरे वाले में क्या करना था, r2 में से r1 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1, इसमें से माइनस करेंगे 1, यहां माइनस करेंगे 0, अब r3 में से r1 को माइनस करेंगे फिर -1, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 1, और a को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, अब हमारे पास ये दोनों 0 हमारी बन गई, दोनों 0 तो ये हो गए, यहां 1 चाहिए, तो यहां 1 बनाएंगे और यहां हमें 1 चाहिए, यानी ये भी हमें 0 बनानी है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0 बनाने से पहले हम एक ऑपरेशन यूज करेंगे, क्या ऑपरेशन, कि r2 के लिए हम ऑपरेशन लगाएं 1/5 r2, अगर 1/5 r2 ऑपरेशन यूज किया जाए तो इसी मतलब इसको इजीली हम 1 बना सकते हैं, ये वाला एलिमेंट 1 बन जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक ऑपरेशन और हम यूज करेंगे r1 के लिए, r1 के लिए क्या ऑपरेशन यूज करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें, ये हो जाएगा r1 में प्लस करना है 3r3 को, r1 में प्लस करना है 3r3, तो जब हम इसमें प्लस करते हैं therefore we get ऑपरेशन है r2 के लिए और r1 के लिए, तो पहले हम r1 को चेंज करते हैं, r1 प्लस 3r3, ये रहा r1, इसमें 3r3 को यूज करना है, ये क्या हो जाएगा, as it is 2 रहेगा, there is no changes, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ऐड किया, 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ऐड किया, ये भी 0 हो गया। अब r2 के लिए ऑपरेशन यूज किया था r2/5, ये हो जाएगा 0 1 0, 5 1 हो गया। r3 के लिए कोई ऑपरेशन हमने यूज नहीं किया है, इसको एज इट इज रखेंगे 0 1 -1, r3 हमारा एज इट इज हो गया,
अब राइट हैंड साइड ये थोड़ा सा केयरफुली आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ऑपरेशन था R1 के लिए, R1 में 3R3 करना था, R1 ये रहा 3R3, तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो -2 बचेगा, -2। उसके बाद में यहां करेंगे ये तो 0 ही रहेगा, यहां 3 से करेंगे इसके साथ 3 हो जाएगा। अब R2 के लिए ऑपरेशन था R2/5, तो सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए, -1/5, 1/5 और 0, फिर -1, इसमें कोई ऑपरेशन ही नहीं है R3 के लिए, इसको एज इट इज हम रखेंगे, इनटू A को नहीं छेड़ना है, A को तो रखना ही रखना है। अब यूनिट मैट्रिक्स देखिए, यूनिट मैट्रिक्स में हमें यहाँ 1 चाहिए, वो आ जाएगा ये वाला 0 1 0, ये तो कंप्लीटली हमारे पास आ गया है। अब उसके बाद 0 0 1 0, यहां इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन हम यूज करेंगे R1 के लिए R1/2, R1 को हम 2 से डिवाइड कर दें, और R3 के लिए ऑपरेशन यूज करेंगे R3 माइनस R2, तो ये मैट्रिक्स हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 0 0 1 0। अब इसमें क्या करना था, R3 के लिए R3 माइनस R2 करना था, ये 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, इसमें से करेंगे -1। राइट हैंड साइड R1 के लिए R1/2, तो ये हो जाएगा -1 0 3/2, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद R2 नो चेंज, R2 में इसको एज इट इज हम रख देंगे 0। R3 के लिए देखिए, R3 के लिए हमने ऑपरेशन यूज किया था R3 माइनस R2, R3 में से R2 को माइनस करना है। अब 1 में से जब इसको माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 + 1, यानी कि -4/5। ऐसे ही इसमें हमने R2 को माइनस किया तो -1/5, इसमें से माइनस किया 1 रहा, इनटू A। बस अब यहां अगर प्लस आ जाए तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। एक बार और ऑपरेशन हम यूज करेंगे R3 के लिए -R3, R3 के साथ -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या ऐसे लिख दीजिए -1 × R3, तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 = R1 ऐसी रहेगा as it is 3/2, और ये -1/5 1/5 0, ये हो जाएगा 4/5 1/5 -1 × A। ये देखिए हमारे पास पूरी की पूरी I3 बन के, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स हमारी बन के आ रही है। therefore implies A inverse is equal to, ये सारा टोटल हमारा क्या हो जाएगा, A inverse, तो A inverse is equal to -1 0 3/2 -1/5 1/5 0 4/5 1/5 -1, ये हमारा इनवर्स होगा। तो A इनवर्स हमें इजीली यहां से मिल जाएगा। ऑपरेशन यूज करते जाइए, बस ध्यान रखिएगा केवल हमें रो ऑपरेशन का यूज करना है या कॉलम ऑपरेशन का यूज करना है, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन हमें इसमें यूज नहीं करना है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 16-17 एज इट इज है, आप लोग करके देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरे को पूछ लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, अब ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है, और जब एक दूसरे का इनवर्स होता है तो एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, A A inverse = I होता है, A A inverse = I, यानी किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में
ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो वो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसको आप लोगों को क्लियर कर दूंगा।